नमस्कार, मैं हूं रूपा बुधिराजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूं रतन विशेषज्ञ, मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी। यदि आप मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं, यदि अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, यदि अपॉइंटमेंट आपको चाहिए, तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड रहेंगी, मैं पेड अपॉइंटमेंट्स ही लेती हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे इस चैनल के अलावा भी देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुधिराजा पर। और आज मैं आपको बताऊंगी दूध के उपाय। जी हाँ, दूध के उपाय, वही दूध जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वही दूध के उपाय। यदि दूध में केसर और हल्दी डालकर, यदि सोमवार के दिन, सात सोमवार के दिन यदि हम शिवजी पर चढ़ाते हैं, तो आप यकीन मानिएगा धन दौलत, जितनी भी आपको परेशानी है, थोड़ा सा कच्चा दूध, सिर्फ थोड़ा सा, यानी कि आपने सिर्फ दो बूंद डालकर जल का रंग बदलना है। इतना नहीं कि आपने पूरा ही उस पर कच्चा दूध ही डाल देना, दूध का सिर्फ आपने रंग बदलना है पानी में, और आप देखेंगे कि कैसे आपका चंद्र मजबूत होता है, कैसे आपका मन मजबूत होता है, कैसे आपकी विल पावर मजबूत होती है। शिवजी पर सोमवार के दिन यदि नियमित आप ये चढ़ाते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत स्ट्रांग होती है। दूध को हम चंद्रमा से रिलेट करके देखते हैं, दूध चंद्रमा का कारक माना जाता है। यदि किसी का चंद्रमा पीड़ित होता है, तो उसको रात को सोते समय दूध नहीं पीना चाहिए, उसको इसके भी दुष्परिणाम होते हैं। तो रात को सोते समय भी उनको दूध नहीं पीना चाहिए, जिनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको चंद्र जिनका पीड़ित होता है, तो उनको रात को दूध नहीं पीना चाहिए। दूध में केसर हल्दी मिला के यदि गुरुवार के दिन शिवजी पे चढ़ाया जाए, केसर और हल्दी डालकर यदि गुरुवार के दिन हम शिवजी पे चढ़ाते हैं, तो हमारा गुरु भी मजबूत होता है। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमारी शादी को लेकर या हमारे धन को लेकर, हमें बच्चे को लेकर, वो भी पूरी होती है। यदि हमारे को औलाद का सुख नहीं मिल रहा, या हमें ऐसे सुख, या हमारे घर में नज़र दोष है, या हमारे घर में कोई बंधन दोष है, यदि गुरुवार के दिन हम केसर डालकर, थोड़ी सी चीनी डालकर शिवजी पे अर्पित करते हैं, तो आप मानेंगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। ये तो आपने शिवजी पर अर्पित करना ही है सोमवार के दिन। उसके बाद जब शिवजी पर हम ये अर्पित करेंगे, जो शिवजी से जो जल निकलेगा या जो चढ़ाने के बाद आप किसी पात्र में वो जल लेकर आ सकते हैं, यही वाला जल आप इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर से चढ़ाएंगे किसी एक खाली बर्तन में, वही चढ़ा हुआ जल जब आप ऊपर से गिरे, वो नीचे से आप इकट्ठा कर लीजिए किसी बर्तन में, और वो अपने घर लेकर आइए वापस। और उस दूध और उस पानी और उसमें जो केसर चीनी है, जो भी आपने मिलाया है, वो डाला हुआ जो है, उस जल से यदि आप अपने घर के अंदर कोने कोने में वो जल छिड़कते हैं, तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी बांधा है किसी भी तरह की, किसी भी तरह का कुछ भी रोग है, दोष है, जो आप निवारण कर करके थक चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा, वो भी दूर होगा। तो दूध, मात्र दूध से किए गए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी होते हैं। दूध आपके बच्चे को नियमित पिलाना चाहिए, जिससे उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम मिलता है हमको दूध से, दूध से बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी कमजोरी ठीक होती है, लेकिन दूध गाय का होना चाहिए। यदि बच्चे की स्मरण शक्ति या याददाश्त, या जिसे कहते हैं मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप गाय का दूध बच्चे को दीजिए। गाय का दूध अति उत्तम माना गया है। यदि हम कोई अनुष्ठान करते हैं, यदि हम कोई यज्ञ करते हैं, तो भी हम गाय के घी से ही करते हैं। गाय के घी से किया गया अनुष्ठान, गाय के घी से किया गया पूजन बड़ा ही महत्व होता है। यदि हमारे को बहुत नेगेटिविटी है, तो हम एक गिलास, कांच के गिलास में यदि दूध भरकर रख देते हैं उस रोगी से जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, उस इंसान से जिसे मानसिक टेंशन रहती है, जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, बहुत सेंसिटिव है, उसके सिरहाने पे यदि हम एक गिलास दूध, कांच का गिलास होना चाहिए, यदि वो भर कर रख देते हैं, तो सुबह उठकर यदि वो दूध किसी जल में, आप किसी जल परवाह भी कर सकते हैं उसी दूध को, या फिर आप वो दूध किसी पेड़ की जड़ में भी डाल सकते हैं। आप वो पूरा दूध ना लीजिए, आप सिर्फ दूध को पानी ले लीजिए, और उसमें दूध का मतलब इतना भाग, आप चौथा भाग कम से कम दूध का लीजिए, जो अपने सर के पास रखिए, और उसको लेकर आप सुबह, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और
किसी भी पेड़ की जड़ में आप डाल दीजिए, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, उसकी जड़ में आप डाल सकते हैं। यदि आपका दुर्भाग्य आपको आमंत्रित करता है, दुर्भाग्य खत्म ही नहीं हो रहा, आप अपने दुर्भाग्य से तंग आ चुके हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों ठीक नहीं हो रहा, आपके साथ बार बार ऐसी घटनाएं, बार बार दुर्भाग्य होता चला जा रहा है, कोई भी काम करते हैं वो चलता नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी घर की महिलाएं संडे छोड़कर यदि नियमित थोड़ा सा कच्चा दूध यदि तुलसी जी की ऊपर डालती हैं या तुलसी जी को अर्पण करती हैं, बिल्कुल हल्का सा कच्चा दूध पानी में डालकर ही आपने माँ तुलसी को चढ़ाना है, नियमित ऐसा करना है, आप देखेंगे कि आपका जो दुर्भाग्य है ना, जो आपका काम नहीं चल रहा, बार बार आप काम बदलते हैं, बार बार आपकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, वो ऑटोमेटिकली स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। और शाम को तुलसी जी पे दिया भी जलाएं इस उपाय के बाद, और ये आप नियमित कीजिए। तुलसी जी माँ लक्ष्मी माँ हैं, उन पर वास है श्री विष्णु का, आपके सारे कष्ट हर लेंगे मात्र थोड़े से दूध से। बहुत चमत्कारी है दूध, दूध में ऐसी शक्तियां हैं जो हमें पता ही नहीं है। यदि आपके कुंडली में कोई भी अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी किसी भी तरीके का अशुभ ग्रह है आपकी कुंडली में, और बहुत सारे निवारण करा चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप चांदी के गिलास में यदि वही दो बूंद कच्चा दूध और पानी, उसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर यदि शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आपको आ रही परेशानियाँ बहुत जल्द ठीक होती हैं। आपको आ रहा जो प्रॉब्लम्स इतने टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं ना, वो मात्र ये रेगुलर ये उपाय कीजिए, दूध डालकर शिवलिंग पर चढ़ाइए, लेकिन चांदी के पात्र में, आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर होने लगेगी। यदि आप मन से बहुत कमज़ोर हैं, आपको बहुत घबराहट रहती है, मानसिक तौर पर आप कंफ्यूज रहते हैं, क्या करूं क्या ना करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भी आप चांदी के गिलास में यदि दूध का सेवन करते हैं, दूध का सेवन आप करते हैं चांदी के गिलास में, तो भी आप देखेंगे कि आपको इस परेशानी से निजात मिल गई। यदि चांदी का बर्तन है तो बहुत अच्छा है, यदि आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो आप कांच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कांच के बर्तन में भी दूध पी लीजिए तो आपको उसका भी लाभ होगा। तो आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपको उसका भी लाभ होगा। तो करिए ये उपाय और देखते रहिए मेरा ये चैनल, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए नए उपायों के साथ। तो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।